सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में अपनी दो सूत्री मांग को लेकर 5 दिवसीय कलमबंद कामबंद हड़ताल पर बैठे अधिकारी व कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले एकजुट होकर जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सभी अपने मौलिक अधिकारों के हनन किए जाने को लेकर अपने तीसरे चरण में सोमवार को 5 दिवसीय कलमबंद कामबंद का आह्वान के साथ दुर्ग के संभाग आयुक्त के कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे। गौरतलब है कि फेडरेशन के जिला संयोजक विजय लहरी ने बताया कि सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के जुझारू कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलमबंद कामबंद कर हड़ताल करेंगे। वहीं फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी एवं प्रवक्ता अनुरूप साहू ने जानकारी दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में डीए 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने यही बताया कि राज्य में 7वां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को पर्यंत 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर एचआरए दिया जा रहा है। इन्हीं अपनी दो सूत्री मांग को लेकर हम एक सब पंडाल में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। साथ ही कहा कि अभी तो सिर्फ जरूरी सेवाएं को छोड़ अपना आंदोलन किया जा रहा है। जल्द सुनवाई नहीं किए जाने पर आगामी 4थे चरण में सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी एक साथ मिलकर प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन कर पूरी तरह काम बंद कलम बंद करेंगे। इस संबंध में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हड़ताल कलम बंद है, काम बंद है, दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है, सीधा सीधा प्रभाव हमारे जो जनता है उसके ऊपर पड़ रहा है। और उस जनता में हमारे कर्मचारी अधिकारियों के 4 लाख का जो परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। हम कोई आकाश से प्रकट नहीं हुए, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, हम भी यहाँ की जनता है। प्रदेश में 20 लाख के आसपास हमारे केवल परिवार के लोग गए, और हमसे जुड़े परिवार बोलोगे तो 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं। हमारा सरकार से यही कहना है कि आप जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सरकार के योजनाओं को क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी वही है, नीतियाँ कौन बना रहे हैं, नीति भी हमारे अधिकारी बना रहे हैं। आपकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार हमारा कर्मचारी अधिकारी नीति बनाता है, और उसको क्रियान्वित करने के लिए हम सब मैदान में जुटते हैं। कोरोना काल में भी आप देखो, सबसे ज़्यादा अगर किसी का देहांत हुआ है तो हमारे कर्मचारी अधिकारियों का हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के पास को मुख्यमंत्री जी या सरकार नहीं मानती है, उस परिस्थिति में आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय। प्रांतीय सचिव छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, दो ही प्रमुख मांग है, 34% महंगाई भत्ता को लेकर के और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के सालों से हम मांग करते जा रहे हैं। अभी विधानसभा सत्र चला, इसमें हम लोगों को बहुत उम्मीद था कर्मचारियों को कि सत्र में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर के सरकार कुछ घोषणा करेगी करके, लेकिन इसमें भी कर्मचारियों को निराशी लगा। आज महंगाई की स्थिति आप चरम सीमा पर है, कर्मचारी सालों से इससे वंचित है, प्रत्येक कर्मचारियों का हज़ारों का नुकसान हो रहा है, 3000 का नुकसान हो रहा है, क्लास फोर से लेकर के क्लास टू तक के अधिकारियों को। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले तीसरे चरण में हम 5 दिन का आंदोलन, अभी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये 5 दिन का आंदोलन है, कलम बंद काम बंद इसका नाम दिया गया है। और निश्चित तौर से आज पूरे हमारे ज़िले में ग्राम पंचायत से लेकर के कलेक्टर कार्यालय तक के सभी कार्यालय बंद हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी जो गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं रहती है उसको भी डब कर दिया गया है। पटवारी साथी भी यहां पर आंदोलन में, अन्य सभी 53 विभाग के साथियों में मौजूद हैं। पूरे कामकाज प्रभावित है। यदि सरकार इन हमारे बातों को नज़रअंदाज करती है तो हम आगे के लिए अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अपना परिचय, मैं विजय लहरी, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला शाखा दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।